बिजनौर कमेटी में आपका स्वागत है। माँ की डांट से नाराज बेटे ने की माँ की हत्या। बिजनौर एक कलयुगी बेटे द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर अपनी माँ की गला घोटकर हत्या करने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। इस घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी बेटे के दोस्त ने गलत काम करने के लिए अपने दोस्त के साथ मिलकर इस मेक का धंधा करने के लिए कहा था। इस धंधे को लेकर मृतिका ने अपने बेटे को डांट फटकार लगाई थी और गलत धंधा करने से मना किया था। मां के मना करने और डांट फटकार का बुरा मानकर आरोपी बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी मां की गला घोटकर कुछ दिन पहले हत्या कर दी थी और सबको पास के ही गन्ने के खेत में छोड़कर चले गए थे। थाना किरतपुर में 23 तारीख को नौता देवी का एक मर्डर हुआ था, जो 24 तारीख में अभियोग पंजीकृत हुआ था 302 IPC का। घटना का अनावरण किया गया है। जो मारने वाले अभियुक्त है उसका सगा पुत्र शुभम और उसका साथी उसी का सजाती उसी के गांव का पंकज, दोनों ने मिल करके गला दबा करके हत्या किया था। गांव से करीब 250-300 मीटर की दूरी पर गन्ने के खेत में ले जा करके शुभम को पंकज ने इस बैग के धंधे में लगाना चाहता था। उसकी मां ने उसको मना किया। इसको लेकर के काफ़ी विवाद रहता था। उसको रास्ते से हटाने के लिए और इस धंधे में आने के लिए उसने अपने मां को रास्ते से हटाया। सर्विलांस टीम, स्वाट टीम, वहाँ के थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी, पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा मेहनत करके अनावरण किया गया है। पुलिस टीम को 15,000 रुपये शिक्षावर्धन के लिए दिया गया है। शेष लोगों को प्रशस्त पत्र दिया जाएगा। यह एक ऐसी घटना थी जिससे स्थानीय लोगों में काफ़ी राहत लिया, क्योंकि नामजदगी दूसरे लोगों की थी।